राजधानी पटना से राम भक्तों को जोड़ने निकल गया राम रथ। प्रबंधक किशोर कुणाल ने विधिवत रथ की पूजा अर्चना कर रवाना कर दिया है। रथ रवाना के दौरान महावीर मंदिर के प्रबंधक किशोर कुणाल ने बताया है कि हर बार रामनवमी के मौके पर रात को रवाना किया जाता है, जिसे पटना सहित बिहार के जिलों में राम भक्तों को जोड़ा जाए। इसी कड़ी में बाकी पूर्व विधायक नितिन नवीन ने भी हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया है। बताते चले आपको कि पटना के डगबंगला चौराहे पर रामनवमी में निकलने वाले शोभा यात्रा और झांकियां पहुंचती है, जिसका अभिवादन सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई गणमान्य लोग शामिल होते हैं। वही रामनवमी के शोभा यात्रा महावीर मंदिर में भक्तों की लंबी कतारों को लेकर बैरिकेटिंग और सीडिंग के साथ पंक्ति की व्यवस्था की जा रही है। आगामी 30 मार्च को राम भक्त रामनवमी की धूम देखेगी, जिसके सुरक्षा सहित यातायात का रोड मैप जिला प्रशासन द्वारा तैयार किया जा रहा है। हम लोगों के लिए सबसे पावन अवसर है आज से लेकर रामनवमी तक, और प्रतिवर्ष यहाँ से जुलूस निकलती है, रथ यात्रा निकलती है। इसी अवसर पर नितिन नवीन जी आयोजन करते हैं। ये आयोजन मंदिर से प्रारंभ होता है। हम सबको 9 वर्ष के अवसर पर पहले तो मैं महावीर मंदिर की ओर से शुभकामना देता हूँ, बिहार वासियों को, देशवासियों का, कि सब सुखी संपन्न रहें और राम भक्ति में लोग लीन रहें। 9 दिनों तक तो पूरा पटना क्या बिहार भारतवर्ष लीन रहता है। तो राम जी की आराधना है, जो हम लोगों का जो धर्म ग्रंथ है, रामायण हो, रामचरितमानस हो, दुर्गा सप्तशती हो, लोग पाठ करें। और जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने आदर्श स्थापित किया, उसका अवसर सबसे पहले तो भारतीय नववर्ष की सभी बिहारवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। चैत्र नवरात्रा का आज प्रारंभ है और कहीं ना कहीं नवरात्रा का और रामनवमी का एक संगम होता है, और इस संगम के अवसर पर आज सुखद दिन है कि आज बिहार दिवस भी है, तो समस्त बिहारवासियों को बिहार दिवस की भी बधाई। ये रामनवमी के अवसर पर हर साल यात्राओं का क्रम होता है और महावीर मंदिर से ही इस कार्यक्रम की शुरुआत आचार्य किशोर कुणाल के कर कमलों द्वारा हर साल हम लोग करते हैं, और पूरा प्रयास ये होता है कि ये रामनवमी हो, पूरे बिहार का रामनवमी अपने आप एक स्थान पाए। और हम लोगों ने पिछले 8 यात्राओं से शुरू किया था, आज 48 यात्राएँ निकल रही हैं और पूरे पटना से एक राममय वातावरण, भगवा वातावरण बना है। और मुझे लगता है कि पटना का रामनवमी आने वाले समय में मुंबई का गणेश चतुर्थी, कलकत्ता का दुर्गा पूजा के समान होगा। और हम लोग की पूरी टीम माननीय अध्यक्ष जगजीवन सिंह बबलू के साथ मिलकर हम लोग सबकी टीम पूरी ताकत लगाते हैं कि पूरा राममय वातावरण हो और सभी पूजा कमेटियाँ विविध झांकियों के साथ आएंगी। आज राम रथ रवाना किया गया है, जो पूरे पटना में घूम घूम कर आम जनमानस से अपील करेगा कि आइए इस रामनवमी में भाग लें, राम के अवतरण दिवस पर हम लोग सब कोई मिलकर धूमधाम से मनाएं, और डाकबंगला पर विशेष झांकी का देखने का है।